हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश पटेल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सिक्स में वर्कबुक के अंदर ब्लू पेंटिंग जो 20 नंबर के पेज पे है वो ड्राइंग्स मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपनी वर्कबुक लीजिए और ओपन कीजिए उसको, और 20 नंबर के पेज पे जो ड्राइंग दिया गया है वही, तो ये ड्राइंग आपको दिखाई देता है। देखिए ब्लू पेंटिंग, तो इसको किस तरह से करना है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे। कागज़ के ऊपर वो ड्राइंग करेंगे जो हमें उसमें दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कागज़ में हम वो ड्राइंग है वो ड्रॉ करेंगे हम। एक मुर्गे का ड्राइंग है ये, बाद में क्या है कि यहाँ दो फ्लावर दिखाई दिया है आपको, देखिए। तो ये जो दो फ्लावर दिखाई दिया है आपको, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर और ये फ्लावर, ये दो फ्लावर आपको दिखाई दिया है। तो वो फ्लावर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ऐसे जो जगह बाकी रही है उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा, फिर यहाँ से मैं लगाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। बाद में उसके ऊपर है क्या है, दो बटरफ्लाई है, तो एक बटरफ्लाई इधर है और दूसरा बटरफ्लाई इधर है, तो हम उसको भी ड्रॉ करेंगे यहाँ। फिर दूसरा इधर, जो जगह बाकी उसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ड्राइंग पूरा कर दिया चिकन का, मींस के इसको हिंदी में मुर्गा कहते हैं या फिर मुर्गी, तो इसका मैंने ड्राइंग कर दिया। अब इसको क्या करना है, ब्लू पेंटिंग से हमें कंप्लीट करना है। तो ब्लू पेंटिंग के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे वाटर कलर, तो वाटर कलर लेंगे और वाटर कलर के अंदर हम बारी बारी से एक एक कलर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को मैंने यहाँ लिया, और फिर कहीं भी आपको दिखाई देता है वहीं आपने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मीन्स के कलर लगा दिया। फिर इसको तो इस तरह से जो आगे आपने किया था उस तरह से आपको ये ड्राइंग करना है, इस तरह से लगाना है। ज़्यादा पानी होना चाहिए, कलर के साथ साथ पानी भी होना चाहिए, इतना बॉर्डर के बाहर चला जाए तो कोई बात नहीं। हमने इसके लिए हमने ड्राइंग कर लिया है, हमें ड्राइंग जो ड्राइंग चाहिए उतना ही हमें काम करना है। तो इस तरह से हम ये दूसरा बना दिया हमने, दूसरी जगह रखा, फिर यहाँ तीसरी जगह पे, आप कोई भी जगह पे रख सकते हो इसको, यहाँ रख के ऐसे फूक लगा के, देखा स्प्रेड हो गया। इसी तरह से यहाँ भी लगाना है आपको, बॉर्डर के बाहर चला जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से हमने ये ब्लू कलर लिया, फिर यहाँ थोड़ा सा लगाया, देखा इस तरह से। फिर मैं लेता हूँ रेड कलर,
तो आपको आप ये देख सकते हो कि ये कलर स्प्रे क्यों नहीं हुआ, तो कलर ज़्यादा था पानी कम था इसमें, इसलिए पानी कम होने के अगर पानी कम होगा तो स्प्रे जल्दी नहीं होगा। देखा ये कहाँ कितना स्प्रे हो गया, फिर यहाँ मैं लगाता हूँ और इसको इस तरह से मैं यहाँ भी लगाता हूँ। आपको इतना याद रखना है कि जिस तरह से उसमें बताया गया है उसी तरह से करोगे तो भी चलेगा, अगर आप जहाँ लगा कलर लगाना चाहते हो वहाँ भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने रेड कलर को भी लिया, अभी लेता हूँ मैं ग्रीन कलर। देखा ये कलर खिस क्यों नहीं रहा, क्या कि क्योंकि कलर ज़्यादा होता है और पानी कम होता है तो ये खिसक नहीं सकता। अभी मैंने थोड़ा सा पानी लिया ज़्यादा और फिर इसको कंप्लीट किया इस तरह से डाल के। देखा स्प्रे होता है ना, तो इसी तरह से हमें स्प्रे करना है। फिर हम लेंगे येलो कलर। देखा येलो कलर में पानी मैंने पहले से ज़्यादा लगा दिया है इसलिए वो कलर स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये ड्राइंग ब्लू पेंटिंग से ख़त्म किया है। अभी बाकी है थोड़ा सा, क्या बाकी है, तो उसमें जो ब्लैक डॉट दिया हुआ है तो वो किस तरह से करना है आपको, तो ब्रश से आपको ब्लैक कलर लेना है और जहाँ जहाँ जगह पे थोड़ा थोड़ा बाकी है वहाँ पे आप स्क्वायर या कोई भी डिजाइन कर सकते हो ब्लैक कलर से ऐसे। कोई भी सेव आप कर सकते हो। इस तरह से बटरफ्लाई में भी
तो इस तरह से हमने ये ड्राइंग कर दिया, और ड्राइंग करने के बाद उसको सूखने थोड़ी देर के लिए सूख जाने देते हैं हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको कातर से सीजर से हम इसको कट करेंगे ऐसे वन बाय वन, और फिर क्या करेंगे इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ये चिकन वाला ड्राइंग, ये दो बटरफ्लाई है और ये फ्लावर है। तो जिस तरह से उसमें बताया गया है, जिस तरह से आप देख रहे हो, तो चिकन वाला ड्राइंग, ये दो बटरफ्लाई वाला है ड्राइंग, ये दो बटरफ्लाई वाला है और ये फ्लावर है। ये ड्राइंग हम इसको इस तरह से कटिंग करके इसको चिपकाएंगे क्या वर्कबुक में। तो गम से या फेविकॉल की मदद से हम इसको चिपका सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ चिपका दिया ऐसे। फिर जो बाकी का पार्ट्स है वो कौन कौन से पार्ट्स है, बटरफ्लाई वाला, तो ये एक बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई को हमने यहाँ स्टिक किया है। दूसरा बटरफ्लाई हमने यहाँ स्टिक किया है। फिर जो ये फ्लावर है, फ्लावर की जो डिज़ाइन है, फ्लावर उसको हम यहाँ स्टिक करेंगे, एक को यहाँ स्टिक करेंगे और दूसरे को हम यहाँ स्टिक करेंगे। इसको स्टिक करने के बाद क्या करेंगे, ऑयल पेस्टर कलर लेंगे, ग्रीन ऑयल पेस्टर कलर, और उसमें जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से हम इसके अंदर डिजाइन करेंगे ऐसे ग्रास की। ठीक है, फिर लग्जर पेंट की मदद से हम क्या करेंगे, उसके जो फ्लावर की डिजाइन दिया गया है वो फ्लावर में हम इस तरह से ठीक है। फिर बटरफ्लाई पेन इसकी उसका मुंह और उसकी बॉडी जो हमने बाकी रखी थी वो हम करेंगे इसमें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये ब्लू पेंटिंग हमने किया। आशा रखता हूँ कि जिस तरह से मैंने ये ड्राइंग बनाया है उसी तरह से आप इस मेथड से आप ये ड्राइंग कंप्लीट करेंगे और अच्छा ड्राइंग आपका हो सकता है। लेकिन कब, तो इसके लिए आपको जिस तरह से मैंने मेथड सिखाई है उसी मेथड से आप काम करेंगे तो आपका ड्राइंग इतना अच्छा होगा। ओके, तो इस तरह से आप ड्राइंग बनाइए और इसको कंप्लीट करके आपकी वर्कबुक में स्टिक करिए। ओके, बाय।